हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यशस्वी आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग से अचार की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ इसी सीजन में बन सकता है। और अगर आप इस अचार को बनाते हैं तो आपके खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इस अचार को बनाने में किसी मसाले का यूज़ नहीं है एंड ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। सो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए चलिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं अपने लॉन में, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरी मम्मा एकदम फ्रेश लहसुन तोड़ रही है और इन्हीं लहसुन के पत्तों से आज का अपना ये अचार बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाला है। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरी मम्मा लहसुन तोड़ लिए हैं एंड मेरी मम्मा का जब भी मन होता है वो इस अचार को फटाफट बनाकर तैयार कर लेती है। सो आज की हमारी इस रेसिपी के बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं 150 ग्राम हरा लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्च एंड 50 ग्राम फ्रेश अदरक है। तो बस अब हमें इन तीनों को बढ़िया से धुल लेना है। धुलने के बाद मैंने अपने मिर्च के डंठल हटा दिए हैं और इन सभी का पानी भी सुखा दिया है। आप चाहें तो इसे किसी साफ सुथरे कपड़े पर रख कर इसका पानी सुखा सकते हैं या फिर आप पेपर फैन चला कर रख दें, इससे भी इसका पानी सूख जाएगा। सो बस अब हमें अपने ग्रीन गार्लिक को रफली चॉप कर लेना है। इस अचार को बनाने ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगता है, इसलिए आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रीन गार्लिक चॉप हो चुके हैं, तो बस बाकी के बचे हुए को भी हम वैसे ही चॉप कर लेंगे। सो इधर आप ये देख सकते हैं कि हमारे लहसुन बढ़िया से चॉप हो चुके हैं, तो चलिए वैसे ही हम ग्रीन चिलीज को भी रफली चॉप कर लेते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि मेरी मम्मा कितनी फटाफट जल्दी जल्दी सभी को ठिकाने लगा रही है। देखने से ही आपको ये लग रहा होगा कि कितना झटपट बनने वाला अचार है। सुबह से आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन चिलीज रफली चॉप हो चुकी हैं। सो इसके बाद हम अपनी जिंजर को भी बिल्कुल इसी तरीके से रफली चॉप कर लेना है। सो बस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इन सभी को बहुत ही बारीक चॉप नहीं किया है। अगर आपने इसका पानी नहीं सुखाया है तो आप इसे इसके बाद भी धूप में रख सकते हैं। आपको इसे ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है, सिर्फ 7 से 8 मिनट तक इसे पेपर पर डाल दीजिए, इसका पानी अपने आप सूख जाएगा। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। जिस पानी से हमने इसे धुला था हमें केवल वही पानी सुखाना है, हमें सब्जियों को बारीक नहीं सुखाना है। ये चार बनाते समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिया एक मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें कि हम इसे 2 बार में डालेंगे। आपको इसे अपने ब्लेंडिंग जार में ऊपर तक भर के नहीं लेना है। आपके जार का जो भी साइज है आपको उसके आधा हिस्से लेना है, अदरवाइज नीचे वाला एकदम चटनी बन जाएगा और ऊपर वाला कोर्स ही रह जाएगा। सो बस तो अब ये जो स्टेप हम करने जा रहे हैं इसे आपको बहुत ध्यान से करना है। सो इस प्रोसेस में आपको अपने मिक्सर ग्राइंडर को चलाना है और फिर छोड़ना है। इस प्रोसेस को आपको लगभग 3 से 4 बार करना है। सो आप ये देख सकते हैं इसे कितना कोर्स रखा है। आपको भी इसे ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है क्योंकि ये चार कोर्स ही अच्छा लगता है, ज़्यादा स्मूथ होने पर वो चटनी बन जाएगा। सो इसलिए आप इसे दरदरा ही रखें। सो चलिए इसके बाद जो हमारा बचे हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्च है उसे भी हम उस ग्राइंडिंग जार में डालकर उसी प्रोसेस से ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार भी हमारा जार आधा ही फिल है। मेरे यहाँ पर तो ये अचार बहुत ही पुराने समय से बन रहा है। मेरी दादी लोग तो इसे खैलर में बनाती थी, जिसमें कि हम अदरक कूटते हैं, पर मेरी मम्मा ने इस अचार बनाने का ये नया तरीका निकाला है जो बहुत झटपट बन जाता है एंड टेस्ट में सेम वैसा ही रहता है। अंतर बस इतना है कि उसे बनाने में समय लगता था पर इस प्रोसेस से बनाने में समय कम लगता है एंड बनाने में भी आसान रहता है। सो बस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लिए थोड़ी सी खटाई, जो कि बनी हुई खटाई है। ये आम की कलियाँ हैं जिसे कि मेरी मम्मा इसमें इसे काट कर डालेगी,
कि इसमें खट्टा फ्लेवर आएगा एंड इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे कैलर में कूट कर भी डाल सकते हैं, पर मेरी कटाई यहाँ पर बिल्कुल गर्मी हुई है इसलिए मैं इसे इस तरीके से काट कर ही डाल दे रही हूँ। तो बस इसके बाद जाएगा इसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल। इसमें लगभग 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लगेगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद जाएगा इसमें हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2 चम्मच नमक। सो बस अब हमें इसे कर लेना है बढ़िया से मिक्स। सो इधर आप ये देख सकते हैं कि हमारा अचार बनकर है तैयार। एंड आप ये देख सकते हैं कि रेसिपी नॉन थर्मल भी है। तो अगर आपको या आपके बच्चों को नॉन थर्मल कुकिंग करनी है आप इस रेसिपी का यूज़ कर सकते हैं। सो बस अब आप ये देख सकते हैं कि कितना झटपट एंड कितने बड़े तरीके से हमारा ये ग्रीन गार्लिक का टेस्टी सा अचार बनकर रेडी हो चुका है। सो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये अचार देखने में भी कितना यमी दिख रहा है। सो चलिए अब अपने इस तैयार किए हुए अचार को हम एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एंड इस अचार को कोई भी खा सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा तेल या फिर मसाले का यूज़ नहीं है और ये खाने में ही बेहद चटपटा है, जिससे भी दाल खाने का मन नहीं करता है अगर वो इस अचार के साथ दाल को खाएगा या फिर सिंपल खाने के साथ इस अचार को खाएगा तो उसके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो बस अचार को एयर टाइट कंटेनर में डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। मेरी उम्मत इसे 10 से 15 दिन के लिए बना रही है, आप चाहें तो इसे साल भर भी स्टोर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको इसमें थोड़ा और तेल डालकर 2-3 दिन धूप में रखना होगा, जिससे कि आप इसे साल भर प्रिजर्व कर सकते हैं। साल भर रखने के लिए आप इसे कांच के कंटेनर में ही रखें। बस हमारा अचार हो चुका है पूरी तरह से बनकर रेडी। अगर आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए बना रहे हैं तब भी आप इसे 2-3 घंटे के लिए धूप दिखा दें, अदरवाइज आप इसे हफ्ते 10 दिन के लिए बनाकर ऐसे भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो बस इसी के साथ आज की हमारी ये मज़ेदार सी अचार की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी खाने एंड देखने में जितनी यमी एंड टेस्टी है बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। सो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप हमारे चैनल फैमिली फन एंड कुकिंग विद मॉम पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।